नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रशांत शर्मा। आप देख रहे हैं वन इंडिया। आईपीएल का दूसरा फेज शुरू होने में अब बस कुछ दिनों का ही समय रह गया है और अब धीरे धीरे करके टीम्स और प्लेयर्स यूएई पहुंचते जा रहे हैं। अभी हाल ही में मुंबई इंडियंस के खिलाड़ी क्रिस लीन और जिमी निशम, हेड कोच महिला जयवर्धने सहित यूएई में पहुँच चुके हैं और जल्द ही मुंबई इंडियंस के ट्रेनिंग सेशन में भी शामिल होंगे। अब इसी बीच खबर मिली है कि ऑस्ट्रेलिया के दिग्गज बल्लेबाज और दिल्ली कैपिटल्स के खिलाड़ी स्टीव स्मिथ भी यूएई पहुंच चुके हैं और बहुत जल्द दिल्ली कैपिटल्स के नेट सेशन का हिस्सा बनेंगे। दिल्ली कैपिटल्स ने सोशल मीडिया के जरिए इस खबर की जानकारी दी है कि स्टीव स्मिथ यूएई पहुंच चुके हैं। हालांकि दिल्ली कैपिटल्स टीम के बाकी साथी खिलाड़ियों के साथ अभ्यास करने से पहले स्मिथ क्वारंटाइन की प्रक्रिया पूरी करेंगे, उसके बाद ही आईपीएल के लिए ट्रेनिंग करते हुए नजर आएंगे। स्मिथ ने अभी तक इस सीजन में 6 मुकाबले ही खेले हैं, जिसमें उन्होंने 26 के औसत से 104 रन बनाए हैं, जिसमें उनका सर्वाधिक स्कोर 34 रनों की नाबाद पारी रही है। आईपीएल 14 का पहला फेज कोरोना के चलते स्थगित कर दिया गया था, जिसके बाद अब बचे हुए मुकाबले यूएई में खेले जा रहे हैं। दूसरा फेज किसी भी टीम के लिए इतना आसान नहीं रहने वाला है, क्योंकि कई खिलाड़ियों ने दूसरे फेज से अपना नाम वापस ले लिया है। सभी ने अपने निजी कारणों के चलते आईपीएल के दूसरे चरण से दूरी बना ली है। अब ऐसे में टीम्स भी उन सभी प्लेयर्स के रिप्लेसमेंट ढूंढने में जुटी हुई है जो अब इस आईपीएल का हिस्सा नहीं है। बाकी की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए वन इंडिया के साथ।